जय हिंद यार। आज आपको जो है सीजी नॉलेज एकेडमी में पुनः स्वागत है। हम इतिहास की जो स्टडी कर रहे थे छत्तीसगढ़ की, उसकी आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए हम जो है आज जो है दो काल की स्टडी करेंगे। बहुत छोटे छोटे काल हैं, जिसमें एक है आपके जो है मैकाल के पांडव वंश है और दूसरा जो है आपके जो है बाण वंश को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों वंश की स्टडी जो है आज जो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्टडी करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो इतिहास हमने इससे पहले जो है पढ़े हुए थे, सोम वंश को पढ़े हुए थे। ठीक है, सरवपुरी वंश के पास बाद जो है हम लोग जो है सोम वंशियों को पढ़े थे और उसमें अंतिम शासक के रूप में हम लोग जो है किसको पढ़े थे, बाला अर्जुन को पढ़े थे। महासिद्धयुक्त बाला अर्जुन को देखे थे, जो छत्तीसगढ़ का उनको जो है स्वर्ण काल कहा गया था। उन्होंने ही जो है लक्ष्मण मंदिर में जो है विष्णु की प्रतिमा वगैरह को जो है स्थापित किया था और उसके पश्चात जो है धीरे धीरे वह शासन काल जो है अंत होने लगा था। उसी के समय जो है हमारे पास जो है पांडव वंश जो है साथ में आया था, तो उनकी स्टडी को हम देखेंगे। और अंतिम जो है हम लोग जो है प्री हिस्टोरिकल जो पॉइंट है, प्री हिस्टोरिकल जो हमारी प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ की अंतिम जो कड़ी होगी, बाण वंश को हम लोग जो है स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है मैकल के पांडव वंश को देखेंगे। तो इनकी समय जो थी, ये भी जो था छठवीं शताब्दी की समय स्टार्ट हुई थी और ये फर्दर आगे की ओर जो है बढ़ते चला गया। ठीक है, राजधानी की यदि बात करेंगे तो राजधानी जो है अमरकंटक। कहां है? अमरकंटक। हम लोग जो है उस दिन देखे थे कि सोमवंशियों के दो शाखा थे, उस मतलब हमारे पास जो है मैकल एक पांडव वंश थे और एक सोमवंशी उड़ीसा के थे, दक्षिण क्षेत्र पे। तो उन्हीं की ये ब्रांच है, हम इसके को जो पहले क्लास में पढ़े हैं उन्हीं की ब्रांच है जो मैकल श्रेणी में रहते थे। ये आपके जो है मैकल श्रेणी के पांडव वंशोग्रह को जो है स्टडी करेंगे। और इनकी राजधानी कहां हो जाएगी? अमरकंटक। और अमरकंटक कौन सा क्षेत्र पे है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आसपास के जगह पे जो है हमको जो है अमरकंटक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका समय कब हो गया? छठवीं शताब्दी। राजधानी कब हो गया? अमरकंटक है। प्रमुख शासक यदि देखेंगे तो इसमें देखिए जयबल है, वत्सबल है और नागदल है। ये इस प्रकार से शासक थे। इनकी उतनी ज्यादा किसी प्रकार से हमको जो है जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार से अभिलेख प्राप्त नहीं है, किसी प्रकार से हमको जो है उनके चिन्ह वगैरह जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इस कारण से जो है हम इनके नाम ही याद रखेंगे, जयबल है, वत्सबल है और नागबल है। एक हमको इनकी जानकारी मिलती है, वो होती है उनकी उपाधि। इनको उपाधि दिया गया था महाराज की उपाधि, या जो है कौन सा उपाधि था? महाराज की उपाधि दिया गया था। ठीक है, ये उनकी उपाधि थी, महाराज की उपाधि दिया गया था। ठीक है, ये उनको उपाधि दिया गया था। उसके पश्चात जो है एक शासक आए जिनका नाम था भरत बल। याद रखिएगा, इन शासकों में बल जो है बहुत ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है, मतलब बल है इनके साथ अंतिम समय पे, याद रखिएगा। ठीक है, तो भरत बल देखिए, भरत बल एक मैकल पांडव वंश का शासक है और इसकी जानकारी हमको जो है बामनी ताम्रपत्र से मिलती है। कौन से ताम्रपत्र से मिलती है? बामनी ताम्रपत्र से जो है हमको प्राप्त होती है। इससे क्या प्राप्त होती है, क्या जानकारी प्राप्त होती है? इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि सरवपुरी वंश की जो नरेंद्र शासक थे, जो प्रथम सरवपुरी से याद कीजिए, उसमें सबसे पहले जो है शासक नरेंद्र था, फिर प्रश्न मात्र थे, फिर प्रवर राजोग्रह जो थे, तो उसमें प्रथम जो शासक सरवपुरी में से नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा का विवाह जो है किससे हुआ था? भरत बल से हुआ था। ये जानकारी हमको जो है बामनी ताम्रपत्र से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, बामनी ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या जानकारी मिलती है? शरदपुरी सरवपुरी शासक नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा इनकी
पत्नी थी। ठीक है, ये हमको जानकारी मिलती है। तो क्या चीज को मिल रहा है जानकारी हमको, देखिए शरभपुरी शासक नरेंद्र की बहन, किसकी बहन, नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा किनकी पत्नी है, भरत बल की पत्नी है। ये जानकारी हमको कहां से मिलती है, बमनी ताम्रपत्र से हमको जो है प्राप्त होता है। इस वंश के जो है जैसे सूरबल है, सूरबल के जो है देखिए इस प्रकार से भरत बल का कंप्लीट होता है, लोक प्रकाश इनकी पत्नी था। ठीक है, अगला देखिए सूरबल है, सूरबल का ताम्रपत्र जो है हमको जो है मल्हार से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, मल्हार, मल्हार ताम्रपत्र से जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए एक चीज और देखते हैं। संभवतः इसमें ऐसा समझा जाता है कि कलचुरियों से यह वंश सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो है संघर्ष किया है। क्या चीज पता चलता है, जो मैथिल के पांडव वंश है कलचुरियों के साथ प्रथम संघर्ष करने वाला पहला वंश था। कलचुरियों के साथ सबसे पहले संघर्ष करने वाला वंश था। ठीक है, कलचुरी क्या है, कलचुरी शासन हम आगे की ओर पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी जो है साम्राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किए हुए और पूरे भारतवर्ष में कोई वंश जो है शासन किया हुआ जो बताया गया है, वंश की बात करेंगे तो कलचुरी वंश सबसे लंबे समय तक किए थे। तो इसके पश्चात जो है हम लोग जो है बाण वंश के बाद जो है जब मध्यकालीन छत्तीसगढ़ की इतिहास पढ़ेंगे तो पहला सबसे पहले कलचुरी वंश पढ़ेंगे। तो देखिए कलचुरी वंश धीरे धीरे आगमन कर रहा था छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और धीरे धीरे वह मध्यकालीन का समय चला है, 1000 शताब्दी के समय जो है स्टार्ट हुआ था। तो इसी समय पे जो है ये कलचुरी वंश से जो है सबसे पहले जो है युद्ध किया हुआ ये वंश माना गया है, किसको, मैथिल के पांडव वंश को। तो इस प्रकार से मैथिल के पांडव वंश में हमको इतने ही जानकारियां मिलती है। इसके पश्चात देखिए हम जो है बाण वंश की स्टडी करेंगे। ठीक है, बाण वंश की स्टडी करेंगे, इसकी जो समय है बाण वंश की जो समय यदि देखेंगे, ठीक है बाण वंश की यदि समय देखेंगे तो 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की बात है, 9वीं शताब्दी जो है इसका समय काल था बाण वंश का। ठीक है, इनकी राजधानी पाली जिसको झांझनगर कहा गया, उसका प्राचीन नाम जो है झांझनगर, झांझनगर ये कहां पर है, कोरबा, अभी के समय में जो है कोरबा पे स्थित है पाली। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, झांझनगर प्राचीन नाम। ठीक है, समय 8वीं से 9वीं शताब्दी, राजधानी पाली हो गया और कहां पर स्थित है, कोरबा पे पाली स्थित है। इसके संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक जो है महामंडलेश्वर मलदेव थे। कौन थे, महामंडलेश्वर मलदेव, इनके जो है संस्थापक महामंडलेश्वर मलदेव। ठीक है, इनके संस्थापक किसके संस्थापक, बाण वंश के जो है संस्थापक जो है महामंडलेश्वर मलदेव के। इसमें सबसे जो है प्रमुख जो शासक थे वो थे विक्रमादित्य। ठीक है, जो आगे हम लोग जो है इसकी स्टडी करेंगे, कौन थे इसका प्रमुख शासक जो थे, इसके प्रमुख शासक जो थे विक्रमादित्य। ठीक है, जिनका यदि समय को देखेंगे तो 870 से लेकर के जो है 895 ईस्वी तक जो है इनकी समय काल चला हुआ है। ये प्रसिद्ध शासक रहे हैं, इसके जो है क्या नाम है, बाण वंश के जो है प्रसिद्ध
शासक जिनकी जानकारी हमको जो है मिलती है। बाणवंश का साम्राज्य जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ में विस्तार था। कोरबा जो है उत्तरी क्षेत्र में आता है, उसी जगह पे जो है तो इनका साम्राज्य कहां से कि कौन से जगह पे थे, उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो है विस्तार था। इन्होंने जो है विक्रमादित्य ने जो है पाली, पाली राजधानी है जो प्राचीन नाम ध्याननगर है, विक्रमादित्य ने जो है पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया जो शिव मंदिर है उसका शरीर जो है सिंह का है। किसका है? सिंह का। बाघ सिंह जो होता है सिंह का है, और सिर जो है अन्य दूसरे पशुओं का है, ठीक है, पशुओं का है। तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य ने कराया, और शिव मंदिर में जो है जो देवता स्थापित किया गया है उसका शरीर जो है सिंह है, जबकि उसका सिर जो है अन्य दूसरे पशुओं का बना हुआ है। मतलब ये इस प्रकार से दिखाई देगा, सिंह कैसे दिखाई देता है देखिए, सिंह जो रहेगा आपके कोई बाघ को यदि देखेंगे हम लोग जो है ये इस प्रकार से कोई बाघ होगा जो रहता है बाघ का ये इस प्रकार से, ठीक है, इसका शरीर जो है पूरा का पूरा जो है सिंह का होगा, ठीक है, और दूसरे पशुओं का जो है उसका सिर होगा। तो इस प्रकार से जो है उसका शरीर सिंह का है और सिर जो है अन्य पशुओं या दूसरे पशुओं का जो है बना हुआ है। अगला देखते हैं अगले पॉइंट में, बाणवंशी शासक ने, ठीक है, बाणवंशी शासकों ने जो है दक्षिण के सोमवंशी शासकों को बिलासपुर के क्षेत्र से हटाए थे, ठीक है, बाणवंशी शासकों ने दक्षिण के सोमवंशी शासकों को बिलासपुर के क्षेत्र से हटाए थे, ठीक है, ये इस प्रकार से हुआ। मतलब क्या कि बाणवंशियों ने जो है जो दक्षिण के क्षेत्र में इनकी किधर है शासन काल उत्तर की ओर में, तो ये जो है सोमवंशियों ने यदि बिलासपुर की साइड में आए होंगे तो उस समय बिलासपुर के क्षेत्र में बाणवंशियों ने उनके साथ युद्ध हुआ होगा और वो बिलासपुर के क्षेत्र से उनको खदेड़ करके भगा दिया गया होगा। तो इस प्रकार से बाणवंशी शासकों ने दक्षिण के सोमवंशी शासकों को बिलासपुर के क्षेत्र से हटाया था। अगला देखिए जो लास्ट पॉइंट है, कलचुरी इससे पहले मैं बता चुका हूं, जो कलचुरी शासन है या वंश है कलचुरी शासन, जैसे त्रिपुरी उसकी शाखा है, आगे देखेंगे त्रिपुरी जबलपुर को कहा जाता है, तो उसकी त्रिपुरी शाखा के एक शासक का नाम है शंकर गण मुग्ध तुंग द्वितीय, ठीक है, क्या नाम है, शंकर गण मुग्ध तुंग के द्वारा जो है बाणवंश को जो है पराजित किया गया था। मतलब इस शासन काल का भी अंत होगा, तो इस शासन काल का अंत कैसे हुआ, इस शासन काल का अंत जो है कलचुरी शासक शंकर गण मुग्ध तुंग ने जो है बाणवंशी शासकों पर अटैक किया और बाणवंश को जो है समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने पराजित किया था और इस प्रकार से बाणवंश की समाप्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों जो शासन काल था वंश था ये कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा, आप कंटिन्यूस देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को आप लोग जो है कर लीजिए ताकि आपको जो है आने वाले दिनों में हम लोग जो है मध्यकालीन जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है इसका भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, लगातार हम लोग जो है पढ़ते चले जाएंगे। आप तभी किसी चीज में फेल होते हैं when you stop, आप जब रुक जाएंगे तो डेफिनेट आप लोग जो है फेल जरूर होंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये दोनों काल जो है समाप्त होता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।